नोएडा में सुप्रीम कोर्ट की वकील की हत्या हुई है। कत्ल कर 24 घंटे तक स्टोर रूम में छिपा रहा पति, पुलिस ने ताला तोड़कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। ये संगीन मामला सामने आया है। पति पत्नी के बीच कोठी को लेकर दरअसल विवाद चल रहा था, ये पुलिस की ओर से बताया गया है। हमारे सहयोगी अंशुमन इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंशुमन, क्या कुछ जानकारी और निकलकर सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर? जैसे प्रतिमा, आपको बता दूं, ये कल दिन की बात है। पुलिस को कॉल मिला था जिसमें ये बताया गया था कि जो महिला है मृतका रेनू सिन्हा, ये दो दिन से परिजनों के फोन नहीं उठा रही थी। पुलिस को कॉल करके जब पुलिस वहां मौके पे पहुंची तो देखा उनका शव बाथरूम में मिला था। पुलिस वहां पे मौके पे जांच की तो उनके शरीर पे कई गहरे घाव थे जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया था। उनकी हत्या का शक उन्हीं मृतका के भाई ने अपने जीजा पे लगाया था कि कहीं ना कहीं उनकी हत्या मेरे बहनोई द्वारा की गई है, जिस पर पुलिस जांच कर रही थी। हालांकि जो बहनोई थे वो फरार हो चुके थे। पुलिस लगातार जांच कर रही थी, सर्विलांस कर रही थी, लेकिन पता चला रात में करीब 3 बजे दोबारा से घर में चेकिंग की गई तो पता चला कि वो एक लॉकर में अपने आप को उन्होंने बंद कर रखा था। रात में करीब 3 बजे लॉकर तोड़कर उनको हिरासत में लिया गया है। हत्या की क्या वजह रही, आखिर उन्होंने इस जघन्य अपराध को क्यों अंजाम दिया, इस पर पूरी पूछताछ अभी फिलहाल पुलिस कर रही है और आगे की कार्रवाई करेगी। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करते रहे।